हेलो एवरीबॉडी, सो टुडे इज आवर टॉपिक इज जेंडर। व्हाट इज अ जेंडर? लिंग किसे कहते हैं? इन ग्रामर देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन एज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। देयरफॉर जेंडर इज द सेक्सुअल क्लासिफिकेशन इन ग्रामर। व्याकरण में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को नाउन और प्रोनाउन की तरह दो बांटा गया है, डिनोट करता है। ग्रामर में उनके लिंग के आधार पर जेंडर को बांटा गया है। जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन जीनस। जो जेंडर है वो लैटिन जीनस से आया है। इसका मतलब मीनिंग काइंड और शॉर्ट। इसका मतलब है दयालु और छोटा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर? जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? देर आर फोर टाइप ऑफ जेंडर। तो लिंग चार प्रकार के होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फीमेलाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फीमेलाइन स्त्रीलिंग, कॉमन यानी समान और न्यूट्रल नपुंसक लिंग। मैस्कुलाइन जेंडर ए नाउन दैट डिनोट ए मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। ये वे संज्ञा होती हैं जो पुरुषों के पुरुष जाति को बोध कराती हैं, उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, एक्टर, मैन, ब्रदर, लॉयन, हीरो, ईटीसी। ये सारे हमारे पुल्लिंग हैं। सेकंड इज फीमेलाइन जेंडर ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फीमेलाइन जेंडर। ये वे संज्ञा होते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, मदर, वोमेन, हीरोइन, हैन, सिस्टर, टाइगर्स, ईटीसी। ये सब क्या है? हमारी स्त्री जाति हैं। कॉमन जेंडर बिसाइड्स मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर देयर इज ए जेंडर विच इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? उसमें मैस्कुलाइन भी होते हैं और फीमेलाइन भी, यानी पुल्लिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग, दोनों जेंडर, कोई सा भी जेंडर हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सर्वेंट, फ्रेंड, रिलेशन, एनिमी, स्टूडेंट, ईटीसी। हमें इनमें ये तो नहीं पता कि पेरेंट्स हमारे मदर हैं या फादर हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए कॉमन जेंडर में आता है। स्टूडेंट का भी हमें नहीं पता, एनिमी, रिलेशन। फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर। ये वे संज्ञा होते हैं जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, वे न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, टेबल, वॉल, चेयर, ट्री, पेपर, वॉल, ईटीसी। बुक, पेन, टेबल, वॉल, इनमें से कोई भी ये ना तो फीमेल है ना ही मेल है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं हमारे। सो द टॉपिक इज फिनिश्ड। इफ यू हैव एनी doubt you can comment us and the PDF is in our description. Thank you.